हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया था फील्ड में थोड़ा वॉकिंग करने के लिए। काफ़ी अच्छी धूप है यहाँ पे, सर्दी बहुत हो रही है, तो काफ़ी अच्छी धूप थी। मैंने सोचा आज बाहर चलते हैं और थोड़ा बाहर का नज़ारा देखते हैं और थोड़ा धूप में धूप सेकते हैं। और काफ़ी अच्छी फील्ड है यहाँ पर घूमने के लिए, तो मैं यहीं पर चला आता हूँ। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, तो चलने में दिक्कत नहीं होती है। डेली मैं वॉकिंग के लिए यहीं पे आता, तो क्यों नहीं, मैंने सोचा फिर क्यों ना आज एक वीडियो शूट कर लिया जाए यहीं पे। दोस्तों, चलना मैंने शुरू किया है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। मैं चलता हूँ तो पैर दर्द करता है, स्वेलिंग बहुत आ जाती है। मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो में, मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग आ जाती है और दर्द भी करता है। विशेष ज़्यादा दर्द तो नहीं करता है, पर हाँ दर्द तो करता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगभग वही आधे घंटे एक घंटे वॉकिंग करता हूँ, स्लोली स्लोली। थोड़ा सा वज़न डालता हूँ पैर पे, ज़्यादा वज़न नहीं डालता, क्योंकि मैं एक दिन थोड़ा ज़्यादा वज़न डाला था तो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर मुझे दर्द भी हुआ, और नाइट में सोते समय भी फिर दर्द करता है। इसलिए थोड़ा कम ही वज़न डालते हैं और उसके बाद चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी चलना स्टार्ट कर दिया है और कैसा क्या रहता है, आप लोगों के साथ चलते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में बताया कीजिए कि क्या होता है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आप लोगों के साथ कैसी क्या प्रॉब्लम हो रही है। और यूट्यूब पे मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं वहाँ पर। तो आज मैंने सोचा थोड़ी देर धूप सेकेंगे। तो दोस्तों, 70 डेज से ऊपर हो चुका है हमारे फ्रैक्चर को और पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम है। अब चलने में भी दिक्कत नहीं होती है, कभी कभार मैं पूरा पैर लगा देता हूँ बिना सपोर्ट के, ज़मीन में दोनों पैरों से खड़ा हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जब चलते हैं तो थोड़ी स्वेलिंग आती है और हल्का सा जब ज़्यादा चलते हैं तो हल्का सा दर्द होता है, बाकी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो और मैं बताना चाहूँगा कि आप को अगर स्वेलिंग होती है तो स्वेलिंग के लिए आप फिटकरी डालकर गर्म पानी से सिकाई कीजिए, उससे बहुत आराम मिलता है। क्योंकि मैं भी करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। मुझे बताया था पास के लोगों ने ही कि आप ऐसे किया करो तो आपको बहुत आराम मिलेगा, तो फिर मैंने करना स्टार्ट किया। और दो एक दिन तो पता नहीं लगता है, पर आप एक वीक तक कंटिन्यू करते हो तो फिर उससे आपको बहुत आराम मिल जाता है। और एक बात है, अगर सर्दी की वजह से आपके पैर में सोते समय दर्द होता है या दिन में कभी दर्द होता है, तो फिर आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक ऑयल है जो मुझे रिकमेंड किया था मेरे किसी रिलेटिव ने, उसे मैं यूज करता हूँ। दिन में मैं 2 टाइम उसकी मालिश करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। पहले मुझे दर्द होता था, स्वेलिंग थी, तो अब स्वेलिंग नहीं है। और जब भी मैं कभी चलता हूँ, थोड़ा बाहर जाता हूँ, लोड ज़्यादा पड़ता है पैर के ऊपर, तभी स्वेलिंग आती है। अगर पैर पर लोड नहीं पड़ता है तो फिर स्वेलिंग नहीं आती है। हालांकि मैं इस ऑयल को जब से यूज कर रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी बेनिफिट मिला है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और किस तरह उसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं, एक तो आपको स्वेलिंग नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, और सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो आप उससे भी राहत मिल जाएगी। तो अगर आपकी आवश्यकता है तो दोस्तों मुझे कमेंट कर दीजिए, बेझिझक मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा उसके बारे में। तो दोस्तों, फाइनली अब मैं थोड़ा चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से चल रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, कितना चल रहा हूँ, स्लोली चल रहा हूँ, फास्ट चल रहा हूँ, ये आप अभी देख पाएंगे कि मैं कैसे चल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चलना। डॉक्टर ने घूमने के लिए
तो देखा दोस्तों किस तरह से मैंने चलना स्टार्ट किया है। थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक पैर पे बहुत कम लोड डालते हैं उसके बाद चलते हैं। अगर आप में से किसी ने भी चलना स्टार्ट किया है, अगर आपको दिक्कत हो रही है इस तरह से चलने में, तो प्लीज़ यार अभी चलना स्टार्ट मत कीजिए, आप सपोर्ट के साथ ही चलिए, क्योंकि सपोर्ट के साथ चलना बहुत सही है। हमारी तरह जैसे मैंने अभी आपको चलकर दिखाया, इस तरह से चलना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रिस्क रहता है, अगर पैर के ऊपर ज़्यादा वजन आ जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। मैं भी ऐसे नहीं चलता हूँ, मैंने बस आप ये वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ऐसे चल के दिखाया है। वैसे मैंने कल थोड़ा चला था और परसों भी थोड़ा चला था, हालांकि मैं बहुत सावधानी पूर्वक चलता हूँ। आप लोग भी अगर चलना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से और थोड़ा केयरफुल होके, क्योंकि दोस्तों अगर दिक्कत हुई तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा सावधानी से चलिए, सपोर्ट के साथ चलिए। आप जितना चल सकते हैं सपोर्ट के साथ चलिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं कंटिन्यू, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि पैर पे वेट बहुत पड़ता है, लोड पड़ता है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। और अगर आपको दर्द नहीं आता है, स्वेलिंग नहीं हो रही है, फिर तो आप चलना स्टार्ट कर सकते हैं और चल सकते हैं। सपोर्ट अपने साथ में रखिए और जितना वजन रुक जाता है उस हिसाब से आप चलना शुरू कर दीजिए। बाकी आप अपने डॉक्टर से राय लेते रहिए, डॉक्टर क्या बता रहा है, किस तरह से चलना है, क्या खाना पीना है, ठीक है, क्या एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर बताएगा, क्योंकि हम लोगों को चलना डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही है। बस ये है, हिम्मत हमको करनी है, तरीका डॉक्टर बताएगा, ठीक है, और बस करते जाइए जैसे डॉक्टर बताता है। देखो दोस्तों, हिम्मत मत हारना, चोट लगी है, प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। देखो किसी चीज़ को ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है, पर अगर वो चीज़ सही हो तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो अब सही होने के लिए टाइम लगेगा, और थोड़ा केयरफुल रहिए, सही हो जाएगा। एक्सरसाइज कीजिए, जो खाने की चीज़ें हैं, कैल्शियम की चीज़ें हैं वो आप खाइए, मल्टीविटामिंस लेते रहिए। बस दोस्तों यही था, आज फ्री था थोड़ा, मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं, और थैंक यू दोस्तों, बस वीडियो देख लेना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, और बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।